नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने सीओ टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली के नरेला में सरेआम चली गोलियां, एक शख्स की मौत। कोलकाता कांड विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पीड़िता के माता पिता। बंगाल सरकार ने हरियाणा में पीट पीट कर मारे गए प्रवासी श्रमिक की पत्नी को दी नौकरी। आई देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली के नरेला में सरेआम चली गोलियां, एक शख्स की मौत। राजधानी दिल्ली में बुधवार रात एक बड़ी वारदात हुई। नरेला इलाके में दो लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी की सूचना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने तुरंत घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मृतक युवक के शव को कब्जे में ले लिया गया। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह गैंगवार है या फिर आपसी रंजिश। पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। यही बढ़ती अगली खबर की ओर। कोलकाता कांड विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पीड़िता के माता पिता। कोलकाता के आरजी कर्म अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर महीना हो चुका है, लेकिन इस बाबत लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। आज भी न्याय की आस में आज भी सैकड़ों जूनियर डॉक्टर अस्पताल के बाहर धरना दे रहे हैं। इधर मृतक ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी अब इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसमें मृतक ट्रेनी डॉक्टर की मां भावुक हो गई और कहा, आरजी कर अस्पताल ने मेरी एक बेटी छीन ली, लेकिन आज मुझे लाखों बेटे बेटियां मिल गए हैं। मुझे मजबूत बनाया है, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मुझे हर दिन हर रात नींद नहीं आती है, मैं चाहती हूँ कि दोषियों का भी यही हाल हो। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। बंगाल सरकार ने हरियाणा में पीट पीट कर मारे गए प्रवासी श्रमिक की पत्नी को दी नौकरी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को हरियाणा में मारे गए राज्य के प्रवासी मजदूर साबिर मलिक की विधवा और 4 साल की बेटी को मदद की पेशकश की। एक अधिकारी ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी ने मुआवजे के पैकेज के तहत मजदूर की विधवा को सरकारी नौकरी दी। अधिकारी ने बताया कि विधवा को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है और उसे बसंती बेलारो ऑफिस में अटेंडेंट के पद पर नियुक्त किया गया। मजदूर की पत्नी और उसकी बेटी ने दिन में राज्य सचिवालय नमत्रा का दौरा किया और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब फ्लाइट भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए मैंने सीओ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।